राजधानी रायपुर में बीजेपी ने स्थापना दिवस पर हर एक मतदान केंद्र में कार्यक्रम को बनाने की तैयारी की है। हर मंडल मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण ऑनलाइन सुना जाएगा, इसकी तैयारी छत्तीसगढ़ में की गई है। बता दें कि कांग्रेसियों के लिए लगातार बीजेपी में शामिल होने पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस अब समाप्ति की ओर बढ़ गई है। कांग्रेस के पास ना अपना नेता है और ना ही नेतृत्व, इसलिए लोग कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कल स्थापना दिवस है 6 अप्रैल, और हरेक मतदान केंद्र में भारतीय जनता पार्टी ने स्थापना दिवस के कार्यक्रम मनाने की तैयारी की है। हर मंडल मुख्यालय में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भाषण ऑनलाइन सुना जाएगा, ये तैयारी छत्तीसगढ़ में की गई है। कांग्रेस अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस के पास न नेता है, न नेतृत्व है, न नीयत है, न काम है, और इसलिए लोग कांग्रेस छोड़कर बाहर निकल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उनको लगता है कि उनके सपनों के भारत के निर्माण का काम आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में लगातार शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है।